नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय मैं द्वारिका में हूं और चार धामों में से एक धाम द्वारिका धाम कहा जाता है और सप्तपुरी, सात पुरियों में से एक पुरी द्वारिका है। तो हम ऐसे स्थान पे आए और यहाँ पे हमने द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन किए। हिंदू संस्कृत और सनातन का यह पवित्र स्थान माना गया है और आप दर्शन कर रहे हैं, यह गोमती नदी है और गोमती नदी द्वारिकाधीश के बिल्कुल पास में ही है और कहा जाता है द्वारिकाधीश इसी गोमती नदी में स्नान करते थे और यहाँ पे बहुत ही यह नदी पवित्र मानी गई है और इसका समुद्र में यहाँ पे संगम होता है। तो यह बहुत प्राचीन और बहुत ही पवित्र स्थान है। तो आप इसके दर्शन कर रहे हैं और द्वारिका जब आएंगे तो ये कहा जाता है कि गोमती नदी में स्नान करने के बाद द्वारिकाधीश के दर्शन करने चाहिए। तो आप गोमती नदी के आप दर्शन कर रहे हैं और जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सुबह के टाइम गोमती नदी में जल बहुत कम होता है लेकिन शाम होते ही यह बिल्कुल ऊपर तक भर जाती है। तो आप दर्शन कर रहे हैं ये गोमती नदी के। और इधर जो मैंने अभी सुदामा सेतु दिखाया, गोमती पार करने के बाद आप आएंगे तो ये पंचनंद तीर्थ बोलते हैं, ये पांच पांडवों के कुआं हैं, उनके आप दर्शन करिए, उनका जल पीजिए, उनका जल का स्वाद अलग अलग है। और यहाँ पे भगवान श्री नारायण, हरि विष्णु और माता लक्ष्मी गरुण के ऊपर उनकी पीठ पर विराजमान है और यहाँ बहुत अच्छी मूर्ति है जिसको यहाँ के पुजारी ने बताया कि यह स्वयंभू है। और यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए लोग मन्नत के लिए अपने घर बनाते हैं पत्थरों से और फिर जब उनकी मन्नत पूरी होती है तब वो फिर यहाँ पे लौट के आते हैं। यह पावन पुण्य द्वारिका धाम है और कहा जाता है कंकड़ में हर कंकड़ में शंकर हैं। तो वास्तव में सनातन में इतनी पावर है कि हर सनातनी किसी ना किसी रूप में भगवान को ढूंढ लेता है और उसके सपने भी पूरे होते हैं, भगवान उसे निराश कभी नहीं करते हैं। तो यह देख रहे हैं द्वारिका धाम और सामने द्वारिकाधीश मंदिर और मैं गोमती के दूसरी ओर हूँ और यह सुदामा सेतु है, इसके माध्यम से उस पार जाते हैं और जो लोग नदी के अंदर से आना चाहते हैं वो नाव के माध्यम से ऊँट की सवारी करके इधर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा है आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमने यहाँ के छोटे बड़े सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन विधिवत कराए और उनके बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान बेट द्वारिका है और यहाँ पे उनकी कचहरी हुआ करती थी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि भगवान श्री कृष्ण जितना राजकाज था वह सब यहीं द्वारिकाधीश जो मंदिर है यहीं पे चलाया करते थे और जो प्राचीन द्वारिका है वो तो समुद्र के अंदर है। दोस्तों, वर्तमान में जो द्वारिकाधीश का मंदिर आप देख रहे हैं तो द्वारिकाधीश का मंदिर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पर पोते वज्रभान ने करवाया था और इसका कई बार जीर्णोद्धार भी कराया गया और यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के आसपास बहुत सारी मार्केट है और यहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं लेकिन यहाँ का जो भी सामान है बहुत महंगा है। तो आप चाहो तो द्वारिका के जो मेन बाज़ार हैं वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर, भड़केश्वर महादेव, सिद्धनाथ महादेव, गीता मंदिर, रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब,
तो इस तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप भद्रकाली मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। ये भद्रकाली मंदिर है, तो आप दर्शन कर रहे हैं भद्रकाली माता के, तो ऐसे स्थानों पे आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। और इन स्थानों पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और यह सभी जितने मैंने आपको दर्शन कराए अन्य वीडियो में, और यह सब बहुत प्राचीन स्थान हैं, जो कि हजारों वर्षों के यह स्थान हैं, और यहाँ पे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। यहाँ पे किस जगह पे भगवान के पैर पड़े, चरण पड़े, और कहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाए कि जीवन सार्थक हो जाए, तो ऐसे स्थानों पे आप जाइए, दर्शन करिए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो आप वीडियो को देखिए और दर्शन करिए, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। बोलिए हमारे साथ राधे राधे, जय द्वारिकाधीश।
नारायण वासुदेव।